टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे का निराशाजनक अंत हुआ है। टेस्ट सीरीज गंवाने वाली टीम इंडिया वनडे सीरीज में भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। भारतीय टीम पाल में खेले गए दो वनडे मैच हारने के बाद केप टाउन वनडे में भी नहीं जीत पाई है और उसका सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप हो गया है। केप टाउन वनडे में तो एक वक्त टीम इंडिया जीत हासिल करती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी करते हुए मेहमानों को जीत से महरूम करा दिया है। भारत की हार के बाद ऑलराउंडर दीपक चाहर बेहद ही निराश दिखे। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी नजर आई, वो इसीलिए क्योंकि दीपक चाहर ने ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोका, टीम इंडिया को जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन अहम मौके पर ये खिलाड़ी आउट हो गया और टीम इंडिया मैच हार गई। इस मैच हार के बाद दीपक चाहर ने जो कुछ किया है और जो कुछ बयान दिया है वाकई में हैरान करने वाला है। आखिर भावुक होकर दीपक चाहर ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है, वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, धोनी के फैन, दीपक चाहर के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगा, टीम इंडिया का नया कप्तान किसे बनाना चाहिए, रोहित शर्मा के बाद में कौन उत्तराधिकारी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन आइए जानते हैं आखिर दीपक चाहर को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है और दीपक चाहर ने क्या कहा, धोनी के बारे में क्या बयान दिया है। 43वें ओवर में भारत का 7वां विकेट गिर चुका था और उस वक्त ये लग रहा था कि यहाँ पर टीम इंडिया मुकाबला हार जाएंगी। दीपक चाहर का साथ देने जसप्रीत बुमराह आए। बुमराह के आते ही दीपक चाहर ने खुलकर खेल दिखाया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 2 छक्के और 5 चौके जड़कर साउथ अफ्रीकी टीम पर काउंटर अटैक कर दिया। एक समय भारतीय टीम 223 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन बुमराह और चाहर ने 8वीं विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी कर मैच का रुख ही बदल दिया। दीपक चाहर ने अपना अर्धशतक जमा लिया था और बुमराह भी उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे, लेकिन 48वें ओवर में लुंगी अंगिड़ी ने मैच का रुख पलट दिया। इस गेंदबाज ने अपनी स्लोअर गेंद से दीपक चाहर को प्रिटोरियस के हाथों कैच आउट करवा दिया। दीपक चाहर के आउट होने के बाद बेहद ही निराश दिखे और वो पवेलियम लौटने की बजाय मैदान के किनारे रखी कुर्सी पर ही बैठ गए। हालांकि चाहर के आउट होने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई। चार टीम इंडिया को महज 18 गेंद में 10 रन चाहिए थे दीपक चाहर के आउट होने के बाद। जहां दीपक चाहर आए वहां पर टीम इंडिया को लगभग 60 गेंद में 50 रन चाहिए थे, लेकिन दीपक चाहर के आउट होने के बाद टीम को चाहिए थे 18 गेंदों में महज 10 रन और दीपक चाहर आउट हो चुके थे, इसलिए दीपक चाहर मैदान के बाहर रखी कुर्सियों पर ही जाकर बैठ गए। हम आपको बता दें कि 49वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का भी विकेट गिर गया। बुमराह के आउट होने के बाद चाहर खुद को कोसते दिखे। अंतिम ओवर में युजवेंद्र चहल का भी विकेट गिर गया और टीम इंडिया महज 4 रन के अंतर से हार गई। मैच खत्म होने के बाद दीपक चाहर इमोशनल हो गए। दीपक चाहर भले ही केप टाउन में टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके, लेकिन इस खिलाड़ी ने फैंस का दिल जीता है। 4 गेंद के साथ साथ बल्ले से भी अपना योगदान दे सकते हैं और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। बस जरूरत है उन्हें ज्यादा मौके देने की। अब देखना होगा साउथ अफ्रीका में हार से क्या टीम इंडिया सबक लेती है, लेकिन दीपक चाहर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और उनका भी यही कहना है कि मैं अपनी तरफ से टीम इंडिया को जीत दिलाना चाहता था, लेकिन मैं इस काम को अंजाम नहीं दे पाया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खटक रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि धोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान वायरल हो रहा है। दीपक चाहर ने इतनी अच्छी पारी खेली है और कहीं ना कहीं ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा है दीपक चाहर को लेकर कि ये धोनी का लड़ाका है, ये लड़ना जानता है, इन्होंने सब कुछ धोनी से ही सीखा है, धोनी ने इन्हें ट्रेंड किया है क्योंकि सीएसके से खेलते थे और धोनी के लड़ाके लड़ना जानते हैं, इसीलिए धोनी भी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं दीपक चाहर के बारे में, धोनी के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। हाँ लेकिन वीडियो में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।